साथियों जय श्री राम। सर्वप्रथम तो मैं 36 कौम के भाई बहनों को, आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक महीने की जेल यात्रा करके मैं कल जेल से रिहा हो चुका हूं, और जिसमें जिन जिन साथियों ने, नौजवानों ने, भाई बहनों ने मुझे जेल से रिहा कराने में जिस तरह का प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना जिस तरह का कार्य किया है, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। भले ही किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, धरातल के माध्यम से, तन मन धन से जिस तरह से सहयोग करके मुझे जेल से बाहर निकाला, इसलिए आप सभी को धन्यवाद है। और मैं यकीनन विश्वास के साथ कहना चाहता हूं मैं कि ये जो राजस्थान की गहलोत सरकार है, इनका ये जो दोगला रवैया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कि एक छोटा सा मेरे बयान दिया था मैंने मीडिया के माध्यम से कि राजस्थान के अंदर एनआरसी और सीएए लागू, जब अशोक गहलोत ने कहा कि लागू नहीं होगा तो मैंने उसका विरोध किया था, मैंने उसका समर्थन किया था, और उसको अन्यथा लेते हुए मीडिया वालों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया। प्रशासन ने उसको अन्यथा लेते हुए मेरे पर अनलीगली कार्रवाई करके मुझे बिना जानकारी, बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए मुझे गिरफ्तार करवाया गया राजस्थान की सरकार ने। उसके बाद मुझे बालोतरा की जेल में डाल दिया गया। कोई बात नहीं, जेल मेरे लिए कोई पहली बात नहीं है, ये मैं तो सैकड़ों बार जेल जाके आया हूँ। और पुनः एक बार कहना चाहूंगा मैं कि अगर सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर, इस राष्ट्र पर और किसी भी हिंदू समाज की बहन बेटी पर कोई भी आपत्ति आएगी, कोई भी तकलीफ परेशानी आएगी, तो ये ऐसे टाइगर जेल जाने के लिए भी तैयार है और फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार है, मगर हम कदापि इस तरह के कथाकथित बयानों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा खुला चैलेंज समझो, भले जो भी कुछ भी समझना है, और सरकार से निवेदन है मेरा। कुछ मैंने देखा, कुछ अधिकारी लोग, कुछ मीडिया वाले लोग ये कह रहे थे कि ये हिस्ट्री शीटर है, बाड़मेर जिले का हिस्ट्री शीटर है, और तो और जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर शांतिपूर्वक एनआरसी और सीएए का विरोध हो रहा था। मैं सबसे पहले तो ये देखकर चौंक गया, जैसे मैं जेल से बाहर आया मैंने उनका बयान देखा तो मैं चौंक गया। शांतिपूर्वक विरोध एनआरसी और सीएए का जयपुर में, हरिद्वार जाती हुई हिंदुओं के उन यात्रियों की बस के ऊपर जब पथराव होता है, पुलिस वालों के शीर फोड़े गए, पुलिस वालों को मार मार के लुहान किया गया, और उसको शांतिपूर्वक तुम प्रदर्शन कहते हो? अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है? शांतिपूर्वक तो हम बैठे हैं, शांतिपूर्वक तो हम कर रहे हैं। अरे जिनको कोई एनआरसी और सीए से कोई मतलब ही नहीं है, जिन लोगों को एनआरसी और सीएए से मतलब ही नहीं है, केवल बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी, अफगानिस्तानी घुसपैठी, उन घुसपैठियों के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने जो कानून पारित किया है, तुम लोगों ने उसको जनता को गुमराह करके, तुम लोगों ने उसको अन्यथा लेते हुए देश के अंदर हिंसा फैला रखी है। अगर तुम लोगों को कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करनी तो उन हिंसकों पर करो जो शरणार्थियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो यात्रियों के ऊपर अत्याचार पथराव कर रहे हैं। अरे शर्म के डूब के मर जाना चाहिए पुलिस प्रशासन को, जिनके ऊपर पथराव करते हैं, जिनको लू लुहान करते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ऐसे टाइगर को गिरफ्तार किया जाता है। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है गिरफ्तार करने से? तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे में ताकत है तो उन जिहादियों को, उन देशद्रोहियों को, उन गद्दारों को गिरफ्तार करके बताओ, मगर तुम्हारी औकात नहीं है उनको गिरफ्तार करने की, तुम्हारी औकात नहीं है उनको गिरफ्तार करने की। ये ऐसे स्टाइल को गिरफ्तार करके तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो, ये गलतफहमी में जी रहे हो आप लोग। अभिव्यक्ति भी, अभिव्यक्ति की आजादी, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, क्यों मेरी अभिव्यक्ति की आजादी कहां मर गई क्या? जब जेएनयू के अंदर, जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे दिए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, उन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी। और जब हमने, मैंने कह दिया कि राजस्थान के अंदर एनआरसी और सीए लागू होकर रहेगा, तो तुम लोगों ने अनलीगली मुझे गिरफ्तार करके, मेरे ऊपर अनलीगली धारा लगा के मुझे जेल भेज दिया गया। एक महीना मेरा बर्बाद किया गया, न जाने कितने लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया तुम लोगों ने। ये सरासर गलत है और हम लोग सब इसकी घोर निंदा करते हैं। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस कानून, जो केस बना है,
इस पे कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं और इस केस को खारिज किया जाए। अन्यथा देश के अंदर काफी आक्रोश है, देश के युवा काफी आक्रोशित है और उसका भुगतान करना पड़ेगा केंद्र सरकार को भी साथ साथ में। हमने कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, हमने कोई तिरंगा नहीं जलाया, हमने कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा नहीं लगाया, हमने किसी अफजल गुरु की बरसी नहीं मनाई, हमने भारत माँ की जय बोली है, हमने राष्ट्रवाद की बात की है। और राष्ट्रवाद की बात करना अगर इस देश में गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। अगर हिंदुत्व की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, बहन बेटियों की रक्षा करना अगर इस देश में गुनाह है तो ये ऐसे टाइगर ये गुनाह बार बार करेगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। एसएस टाइगर जिंदाबाद, एसएस टाइगर जिंदाबाद, एसएस टाइगर जिंदाबाद, एसएस तारा जिंदाबाद, एसएस तारा जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुझे एसएस टाइगर राजपुरोहित